पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सारे के सारे लोग सेकंड फ्लोर पे आ चुके थे। वहां पर आने के बाद सेकंड फ्लोर का जो गार्डियन मास्टर होता है उन्हें एक तीर का मान देता है। उन्हें वो तीर वहां पर दिख रहे सामने पहाड़ के ऊपर चलाना होगा। जो सबसे ज्यादा तेजी से तीर चलाएगा उसे सबसे ज्यादा पॉइंट मिलेंगे, और जिसके पॉइंट ज्यादा होंगे वो सेकंड फ्लोर को क्लियर करते हुए थर्ड फ्लोर पे जाएगा। अब तक का सबसे हाईएस्ट फैंक का निकल कर आता है जिसका 6900 पॉइंट थे। इसलिए वो किन्नान का मजाक उड़ाना शुरू कर देता है कि मैं देखता हूँ कि तू यहाँ पर कितने पॉइंट को हासिल कर सकता है। ये सुनकर किन्नान भी अब गुस्से में उस तीर कमान के पास जाना शुरू कर देता है ताकि वो सभी को दिखा सके कि वो कितना स्ट्रांग है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में किन्नान सोच रहा था कि अगर मैं यहाँ पर अपने मार्शल स्पिरिट की पावर का इस्तेमाल करूँ तो न जाने मुझे ये तीर चलाने के बाद कितने पॉइंट मिलेंगे। इसके बाद किन्नान अपनी थोड़ी सी मार्शल स्पिरिट की पावर का इस्तेमाल करता है, और उस पावर का इस्तेमाल करते हुए उसने वहां पर वो तीर चला दिया था। ये तीर इतना जोर से जाकर पहाड़ को लगता है कि पहाड़ तो हाल फिलहाल नहीं टूटता, लेकिन ये तीर चलाने की वजह से किन्नान को जो पॉइंट मिले थे वो पॉइंट गिनती के ही नहीं होते हैं। उसमें सिर्फ 99.999 लिखा हुआ था, और वो 9 खत्म ही नहीं हो रहा होता है, यानी कि किन्नान को यहाँ पर अनलिमिटेड पॉइंट मिले। फैंग 6900 लेकर उछल रहा था, किन्नान को तो यहाँ पर इतने पॉइंट मिले कि किन्नान खुद नहीं देख सका। किन्नान कहता है अरे वाह मजा आ गया। वो फैंग को छुड़ाते हुए कहता है कि देखा इसे कहते हैं स्कोर, 2-4-5 हजार से ना कोई उछलने नहीं लग जाता। फैंग कह रहा था यहाँ पर ना किन्नान तू ज्यादा उछल मत, तूने यहाँ पर मुझे गुस्सा दिला करना अच्छा नहीं किया, तुझे खुद पे प्राउड महसूस करने की जरूरत नहीं है। किन्नान कह रहा होता है अच्छा तो मैं प्राउड महसूस नहीं करूँ तो तू करेगा क्या, तेरी जलन तेरे मुंह से बाहर टपक रही है, आ इधर आके काट ले ताकि तेरी जलन खत्म हो जाएगी, आ आ जल्दी आ यहाँ पर काटना। जिसके बाद सेकंड फ्लोर का जो गार्डियन मास्टर होता है वो वहां पर कह रहा था कि यहाँ पर सबसे 5 ही लोग क्वालिफाई होंगे थर्ड फ्लोर पे जाने के लिए, और बाकियों को यहीं से डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। उन 5 में से लोग जो थे वो था फैंग, वान, यांग युई, वी हाओ और किन्नान। यही 5 लोग थर्ड फ्लोर पर जाने के लिए क्वालिफाई हुए थे, यहीं से बाकियों को निकाल दिया गया था। उन सभी के जाने के बाद वो जो सेकंड फ्लोर का गार्डियन मास्टर होता है वो पहाड़ को देख रहा था, क्योंकि पहाड़ उस टाइम नहीं लेकिन अभी तक जो किन्नान ने उसे तीर मारा था उसकी पावर को महसूस नहीं कर पा रहा था, और अब जाकर वो जो पहाड़ होता है चकनाचूर हो जाता है। मैंने कहा था ना कि पहाड़ टूटेगा, तो पहाड़ टूटा ही टूटा, भले से थोड़ी देर बाद टूटा लेकिन वो टूटा जरूर। किन्नान है ही जो इतना कमाल। इसके बाद जितने भी लोग डिस्क्वालीफाई हुए थे उन सभी को निकाल कर वुयन पवेलियन के बाहर भेज दिया जाता है। एल्डर जेंग यहाँ पर इतने ज्यादा खुश हो रहे थे कि देखा मेरा डिसाइपल किन्नान वापस से सेकंड फ्लोर पे भी फर्स्ट आया है। फर्स्ट फ्लोर पे भी फर्स्ट था वो, सेकंड फ्लोर पे भी फर्स्ट था, और थर्ड फ्लोर पे भी वो 100% फर्स्ट ही रहेगा। वो यहाँ पर फैंग के मास्टर का मजाक उड़ाते हुए कह रहे होते हैं अरे मेरी जान तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है, देखो फैंग जो है ना वो किन्नान के सामने एक बच्चा है, लेकिन बच्चा होने के नाते भी वो थोड़ा बहुत तो पावरफुल है ही। माना कि उसमें और किन्नान में आसमान और जमीन का फर्क है, लेकिन तुम्हें फैंग को लेकर ही खुश हो जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारी औकात ही उतनी है। जिसके बाद अब उन 5ों डिसाइपल को थर्ड फ्लोर पे भेज दिया जाता है, जो जगह पूरी तरह से बर्फ से घिरी हुई थी। वहां पर जो स्पेशल ऑरा फैला हुआ था वो जितने भी 5ों लोग यहाँ पर आए थे उन सभी की थकान को मिटा देता है, उनकी पूरी बॉडी एकदम रिफ्रेश हो चुकी थी। इतना ज्यादा हाई क्वालिटी का यहाँ पर ऑरा फैला हुआ था, किसी को कुछ खास समझ तो नहीं आता कि अब उन्हें यहाँ पर थर्ड फ्लोर पे किस तरह का टेस्ट देना है जिसकी मदद से वो आगे के फ्लोर पे जा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई गार्डियन मास्टर भी मौजूद नहीं था। लेकिन तब थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक ओल्ड वुमेन आती है जो कि थर्ड फ्लोर की गार्डियन मास्टर है। वो लकड़ियों पे चलते हुए यहाँ पर आ रही थी और उसकी उम्र भी काफी ज्यादा लग रही होती है। गार्डियन मास्टर को देखकर सारे लोग कह रहे थे अरे बाप रे ये गार्डियन मास्टर तो काफी ज्यादा स्ट्रांग लग रही है, उसका स्पेशल ऑरा इतना दूर खड़े होने के बाद भी हम यहाँ पर महसूस कर पा रहे हैं। गार्डियन मास्टर जो होती है वो वहाँ पर कह रही थी तुम लोग यहाँ पर 5 हो, मुझे लगता है कि तुमने अपने लाइफ में काफी बार पिल वगैरह को तो खाई होगी लेकिन कभी पिल को रिफाइन नहीं किया होगा, तो यहाँ पर ना तुम्हारा जो टेस्ट होगा वो पिल को रिफाइन करने का होगा कि तुम किस तरह से पिल को रिफाइन करते हुए उसकी पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर पाते हो, ये करने के बाद ही तुम्हें 4th फ्लोर पे भेजा जाएगा। ये सुनकर यांग यू जी होती है वो गार्डियन मास्टर से कहती है ठीक है हम यहाँ पर पिल को रिफाइन कर देंगे और उसे एब्जॉर्ब भी कर लेंगे, लेकिन मैंने सुना है कि पिल को रिफाइन करने के लिए एल्केमी फर्नेस चाहिए होता है ना, तो एल्केमी फर्नेस कहाँ पर है, आप हमें पहले वो तो दो तभी तो हम पिल को रिफाइन कर पाएंगे। जिस पर गार्डियन मास्टर कहती है यहाँ पर कोई भी एल्केमी फर्नेस नहीं है, अगर मैं तुम्हें सारी चीजें लाकर दे दूं तो मेरा टेस्ट रहा ही नहीं ना, तुम्हें बिना एल्केमी फर्नेस के पिल को रिफाइन करना है और उसे एब्जॉर्ब करना है, ये टेस्ट तुम 5ों के लिए बहुत ही ज्यादा टफ होने वाला है। और जो पिल गार्डियन मास्टर ने रिफाइन करने कहा था उसका नाम जायंट स्पीड पिल था। वुयन पवेलियन के बाहर जितने भी लोग खड़े होते वो लोग कह रहे थे कि नहीं नहीं ये ऐसा टेस्ट कैसे दिया जा सकता है, ये 5 लोग जो गए हैं वो तो ना ही एल्केमिस्ट
ना ही उनके पास एल्केमी की ज्यादा नॉलेज है। और इस जायंट स्पिरिट पिल को रिफाइंड करना ना इस पूरे की पूरी सिटी के टॉप 5 जो एल्केमिस्ट है उनकी भी हालत खराब कर सकता है, वो भी एल्केमी फर्नेस के साथ। तो ये लोग यहाँ पर बिना एल्केमी फर्नेस को कैसे उस पिल को रिफाइंड कर सकते हैं, ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। जिस बंदे की मार्शल स्पिरिट एकदम ज्यादा स्ट्रांग होगी ना वही यहाँ पर उस पिल को रिफाइन कर सकता है, क्योंकि स्पिरिट पिल को रिफाइन करना मार्शल स्पिरिट के बगैर होगा ही नहीं। विहाओ का जो मास्टर था वो सोच रहा था कि अरे मुझे तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, विहाओ के पास पर्पल हार्ट टाइगर मार्शल स्पिरिट है जो मेरे ख्याल से इतनी तो इनफ होगी ही, वो यहाँ पर पिल रिफाइन करके यंग मास्टर को दे दे। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर ना यंग मास्टर विहाओ आराम से पिल को रिफाइन कर लेंगे। बाकी सारे लोग वहां पर कह रहे थे कि अब नहीं लगता कि कोई भी थर्ड फ्लोर से आगे जा पाएगा, ये पांचों के पांचों थर्ड फ्लोर पर ही रुक कर रह जाएंगे, क्योंकि इतना ज्यादा टेस्ट तो कोई एल्डर या मास्टर भी ढंग से नहीं पूरा कर सकता जितना कि टफ है ये टेस्ट। वुयान पवेलियन के अंदर हुआंग कह रहा था कि अरे यार ये जायंट स्पिरिट पिल किस चिड़िया का नाम है, मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ, तो आखिर मैं यहाँ पर इसे रिफाइंड कैसे करूंगा, क्या पता यहाँ पर मेरा मार्शल वेपन जो है वो इसमें मदद कर दे। इसलिए वहां पर अपने मार्शल वेपन को एक्टिवेट कर लेता है जो कि 9th लेवल का मार्शल वेपन था। गार्डियन मास्टर कह रही होती अरे वाह बढ़िया दिमाग लगाया, मार्शल वेपन का इस्तेमाल करते हुए पिल रिफाइन करने के साथ साथ उसे एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहे हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। जिसके बाद यांग यू भी जो होती है वो भी हुआंग का देखा देखी अपनी मार्शल स्पिरिट को एक्टिवेट कर लेती है। उसकी मार्शल स्पिरिट किसी गुकिन जैसी दिखाई दे रही थी और वो भी अपने मार्शल स्पिरिट की पावर का इस्तेमाल करते हुए पिल को रिफाइन करने की कोशिश कर रही थी। इसके बाद अब बारी आती है वहां पर फैंग की, वो भी वहां पर अपनी मार्शल स्पिरिट को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, जिसकी मार्शल स्पिरिट स्वॉर्ड स्पिरिट थी और वो यांग यू और हुआंग से भी काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है। गार्डियन मास्टर कह रही थी कि यहाँ पर फैंग की मार्शल स्पिरिट तो काफी ज्यादा स्ट्रांग है लेकिन जितनी स्ट्रांग है ना वो सिर्फ फाइट वगैरह में ही काम आएगी, लेकिन इसका इस्तेमाल करते हुए वो यहाँ पर जायंट स्पिरिट पिल को रिफाइन नहीं कर सकता, वो बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाएगा इसके लिए। अब जब सारे लोग यहाँ पर अपनी मार्शल स्पिरिट एक्टिवेट कर रहे थे तो विहाओ भी अपनी मार्शल स्पिरिट को एक्टिवेट कर लेता है, जहाँ उसकी भी मार्शल स्पिरिट किसी वेपन की तरह ही थी जिसका नाम पर्पल फायर वेपन होता है। वो भी अपनी मार्शल स्पिरिट की पावर का इस्तेमाल करते हुए पिल को रिफाइन कर रहा था। गार्डियन मास्टर कह रही होती है ये पर्पल फायर स्पिरिट जो है वो भी यहाँ पर पिल को रिफाइन करने में थोड़ी बहुत तो मदद करेगी लेकिन उतनी ज्यादा खास मदद नहीं कर सकती। इस मार्शल स्पिरिट की पावर का इस्तेमाल करते हुए पिल को रिफाइन करना काफी मुश्किल होगा विहाओ के लिए भी। सभी ने अपने मार्शल स्पिरिट की पावर को एक्टिवेट कर लिया था लेकिन सिर्फ किन्नान वहां पर बचा हुआ होता है, उसने अभी तक की अपनी मार्शल स्पिरिट को बाहर निकाला ही नहीं था। गार्डियन मास्टर वहां पर कह रही होती क्या वो बच्चे तुम अपने मार्शल स्पिरिट को नहीं निकाल रहे, तुमने पहले ही हार मान ली है क्या यहाँ पर कि तुम इस पिल को रिफाइन कर ही नहीं सकते, देखो अगर तुमने जल्दी अपनी मार्शल स्पिरिट को बाहर नहीं निकाला ना तो तुम इस ग्राउंड से पहले ही डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। विहाओ किन्नान से कह रहा था अरे यार अपनी मार्शल स्पिरिट निकाल लेना या फिर मान लिया कि तेरी मार्शल स्पिरिट फैंग से ज्यादा कमजोर है, क्योंकि अभी हम चारों में से यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रांग तो फैंग की मार्शल स्पिरिट लग रही है जो कि स्वॉर्ड स्पिरिट थी, तुझे निकालना है तो निकाल ले, अगर नहीं निकाल सकता तो हम लोग तो समझ जाएंगे कि तू कमजोर ही है अपने मार्शल स्पिरिट को लेकर भी, या फिर ये हो सकता है कि तेरे पास कोई मार्शल स्पिरिट ही नहीं होगी। विहाओ गार्डियन मास्टर से कह रहा था कि मुझे लगता है ना कि किन्नान की जो मार्शल स्पिरिट है वो 8th लेवल से भी कम है, होगी वो 4-5 लेवल की, इसलिए वो उसे जल्दी बाहर नहीं निकाल रहा। यहाँ पर जितने भी लोग है सभी की मार्शल स्पिरिट जो थी वो 9th लेवल के ऊपर थी। जो सुनकर गार्डियन मास्टर कहती है क्या सच में 8th लेवल से भी नीचे है, नहीं नहीं यहाँ पर तो किन्नान इस राउंड को देने के लायक भी नहीं है। वो किन्नान से कह रही थी किन्नान तुम यहाँ से उठ कर ना चले जाओ, तुम्हारे लिए ये राउंड बिल्कुल बना ही नहीं है। किन्नान जोर जोर से हंसते हुए कहता कि क्या मैं एग्जिट कर जाऊं, मैं वो भी मैं एग्जिट करूंगा, क्या तुम्हारा कनेक्शन थर्ड राउंड वाले मास्टर से नहीं था क्या, उसने तुम्हें बताया नहीं कि मैंने यहाँ पे कौन सा कारनामा किया है, वैसे तुम फर्स्ट फ्लोर पे भी जाकर देख ली होती, अगर तुम्हें पता होता ना तो तुम यहाँ पर मुझे एग्जिट होने के बारे में कह ही नहीं सकती थी। किन्नान गार्डियन मास्टर से कह रहा था कि अगर यहाँ पर किसी कमजोर बंदे के पास भी अगर मार्शल स्पिरिट काफी ज्यादा हाई लेवल की हो तो क्या उसे कमजोर कहा जाएगा या पावरफुल कहा जाएगा। गार्डियन मास्टर कह रही होती है देखो ये मार्शल वर्ल्ड में ना मार्शल स्पिरिट को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, कल्टीवेशन के मामले में जिस बंदे के पास उसकी मार्शल स्पिरिट ज्यादा स्ट्रांग है ना उसकी फ्यूचर भी बहुत ही ज्यादा कमाल का होगा और वो आगे चलकर काफी ज्यादा पावरफुल बन सकता है, इसलिए जिसके पास हाई लेवल की मार्शल स्पिरिट हो उसे कह ही नहीं सकते कि वो एक कमजोर डिसाइपल है। जिस पर किन्नान कह रहा होता है तो इस हिसाब से अब तो मुझे लाइफ में किसी भी लोगों के सामने बेइज्जत होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं अपनी मार्शल स्पिरिट को लेकर पहले मैं कितना ज्यादा बेइज्जत हुआ था, यहाँ तक कि मेरी जान तक जाने वाली थी लेकिन मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला, लेकिन एक दिन मैं इतना पावरफुल बना कि मेरी मार्शल स्पिरिट बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है, मेरी पावर को लेकर लोग आज तक के मेरा मजाक उड़ाया करते थे
लेकिन लगता है कि अब ये चीज खत्म होने वाली है। मैं अब दुनिया का रूल बदल दूंगा कि कोई भी कमजोर कमजोर नहीं कहलाया जा सके। मैंने महसूस किया है कमजोर कहलाए जाने पर कितना ज्यादा अफसोस और बुरा लगता है, लेकिन बस अब बहुत हो गया। नहीं मैं अब कभी सुनने वाला कि मैं कमजोर हूँ नहीं किसी और को सुनने दूंगा। जिसके बाद किन्नान वहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। जैसे उसने अपनी पावर को एक्टिवेट किया था, पूरी जगह वहाँ पर हिलने लग जाती है, क्योंकि यहाँ किन्नान अपनी मार्शल स्पिरिट को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा था। जिसके बाद अब देखते ही देखते वहाँ पर किन्नान की मार्शल स्पिरिट बाहर निकल कर आ चुकी थी। वो मार्शल स्पिरिट इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है कि सारे के सारे एकदम ज्यादा दंग रह जाते हैं कि अरे बाप रे, ये है क्या चीज। ये मार्शल स्पिरिट तो किसी वॉरियर या किसी पावरफुल कल्टीवेटर की तरह दिखाई दे रही है, आखिर इसने इसे कैसे समन कर लिया। उसे देख देख कर ही सालों की हालत खराब हो चुकी थी, लेकिन बाहर वुयान पवेलियन के जितने भी लोग थे वो लोग तो खुश हो रहे थे। एंजल भी काफी ज्यादा खुश थी कि अरे वाह, मेरा नौकर तो कमाल कर रहा है। बाहर जितने भी लोगों ने किन्नान का मजाक उड़ाया था वो लोग समझ चुके थे कि नहीं, ये किन्नान कोई मामूली चीज नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा पहुंची हुई हस्ती है। हमें हमारी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा कि हमने ये अभी क्या देखा। आखिर कोई मामूली सा डिसाइपल इतना ज्यादा स्ट्रांग कैसे हो सकता है, जिसके पास इतनी पावरफुल मार्शल स्पिरिट हो कि जो कि बड़े से बड़े कल्टीवेटर के पास नहीं होती है। वो लड़की जो घोड़ा गाड़ी के अंदर से यहाँ पर किन्नान को देख रही थी वो भी एकदम दंग रह जाती है कि आखिर ये मार्शल स्पिरिट इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकती है। मैंने इस तरह की मार्शल स्पिरिट के बारे में पहले भी सुना है, लेकिन वो इतनी ज्यादा तो स्ट्रांग नहीं होती है जितना कि किन्नान की है। तो आखिर किन्नान ने इतनी ज्यादा हाई लेवल की मार्शल स्पिरिट को कैसे समन किया होगा, कहाँ से मिली उसे इतनी ज्यादा स्ट्रांग मार्शल स्पिरिट। तो वही किन्नान काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था। वो वहां पर कह रहा होता है कि अब बारी आ चुकी है दुनिया को उनकी औकात दिखाने की। जितने लोगों ने भी यहाँ पर मुझे कमजोर और बुरा कहा था, इंसान जब पावरफुल हो जाता है तो वो किस्मत अपनी खुद अपने हाथों से लिखने के लायक हो जाता है। तो अब मैं भी देखना चाहता हूँ कि किसके अंदर अब औकात है जो मुझे यहाँ पर आकर कमजोर कह सके। वो सारे दिन अब बीत चुके जब मैं लोगों का कहना सुन लिया करता था, अब और नहीं। अब लोगों को उनकी औकात दिखाने का टाइम आ चुका है। किन्नान इतना ज्यादा पावरफुल लग रहा था कि कोई भी वहाँ पर ढंग से किन्नान को देख तक नहीं पा रहा था, क्योंकि उसके मार्शल स्पिरिट का ऑरा ही इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है, जिस वजह से सारे के सारे लोगों की यहाँ पर हालत खराब हो रही थी कि आखिर ये कितना ज्यादा स्ट्रांग है कि हम इसका ऑरा भी हैंडल नहीं कर पा रहे। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।